सॉरी सॉरी थैंक यू आंटी. वो लड़की उस पपी के पास आ रही है और उस पपी के गले में कुछ है. ओके तो तुम लोग किसी भी तरह उस लड़की को रोको, मैं उस पपी के पास पहुंचती हूँ. ओके ओके बॉस. आंटी गर्मा गर्म सिंह ले लो, चलो ले लो आंटी, 2 रुपए के ले लो आंटी. चिट्ठी में किसी हेरिटेज जिमखाने के लॉकर का नंबर लिखा था. अब हमें ये पता करना है कि उस लॉकर में क्या है. फ्रूटी तुम मेरी तरह अकलमंद कब बनोगी? एक लॉकर को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है और रोहित अंकल ने अब तक वो चाबी लौटा दी होगी. सॉरी करता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. एक मिनट हाँ. देखो जेफ, छोड़ो ट्विंकल, तुम मेरी तरह सोचना सीखो. यू नो अकलमंदी, यू नो यू शुड बी अकलमंद. देखो एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है ये चाबी उस लॉकर को खोल देगी. ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? यू नो जब पापा से मैंने ये चाबी ली थी ना, तब मैंने इस चाबी का छाप निकाल लिया था. अब बताओ कौन अकलमंद है, तुम? अब टाइम वेस्ट मत करो, हमें उस लड़की से पहले जिम खाने पहुंचना है. अरे हाँ जल्दी करो, अरे जल्दी 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 जल्दी. क्या है? अरे जब तक हमारे पास कार्ड नहीं है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते. ओ मैं तो कुछ और ही समझा था. एक्सक्यूज मी, कार्ड प्लीज. आप मुझसे कार्ड मांगते हो? जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ? कौन है तुम्हारा डैडी? मेरे डैडी कौन? कैप्टन विक्रम. सर सर प्लीज कम इन. That's better. Yeah, sir. आप लोग भी इनके साथ हैं? Please आइए, you're welcome, please. Yeah. कृतार, ये कैप्टन विक्रम कौन है? यहाँ के ट्रस्टी. बाहर बोर्ड नहीं देखा था क्या? Wow! इसका मतलब हम लोग मुफ्त में खाना खा सकते हैं? जेफ, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, लॉकर खोलने आए हैं. सुनो, जिम खाना कहाँ है? ऊपर फर्स्ट लेफ्ट. No, जिम खाना ऊपर फर्स्ट लेफ्ट. पता है, जल्दी चलो, बोर्ड पढ़ लिया करो.
गुड आफ्टरनून मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आप अपने बॉडीगार्ड से कह दें कि वो बंदूकें बाहर छोड़कर अंदर आए तो बेहतर होगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये चाबी तो सही है ना? हाँ, मुझे लगता है उस की मेकर ने कुछ ये चाबी गलत सही में भूल रही है। चुप रहो, तुम चुप रहो। ट्विंकल तुम बाहर जाके देखो कहीं वो आ तो नहीं रही है। अप्रैल को 5 बजे मरीना बीच पर क्या होगा? फ्रूटी, मरीना बीच बहुत सुनसान जगह है, मैं वहां नहीं आ रहा हूँ। जब हम लोग इतने दूर तक आ गए हैं, तो हम लोग पीछे क्यों हटे? यस। ओके। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। सोच लो, मरीना बीच बहुत सुनसान जगह है और ऊपर से गुंडे भी होंगे। अरे फ्रूटी का टाइकोंडो चैंप होने का क्या फायदा? फ्रूटी बस उन गुंडों को एक लात और एक पंच से देगी ना, तो वो तो सीधा ऊपर। गुड बाय फॉर एवर। जेफ, अगर वो गुंडे तुम्हारे सामने आ गए तो तुम क्या करोगे? मैं ये क्या करेंगे? जो करेंगे वो गुंडे करेंगे। अच्छा, तुम बहुत बड़े शेर बन रहे हो, तुम क्या करोगे? जब वो तुम्हारे सर पे गन रखेंगे। अगर सच में गुंडों के पास कोई गन हुई तो हम में से कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं फ्रूटी, इस वक्त कोई सुनाती नहीं है,
और ना ही तुम्हारे सर तुम्हें बचाने के लिए आने वाले हैं। मुझ में हिम्मत है, मैं ना डरूंगी ना रुकूंगी, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बैटर है। मैं मरीना बीच जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि वहां क्या होने वाला है। नो डर नो फियर जस्ट गो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।